सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ट्रेंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज इस स्वप्न का विश्लेषण जानेंगे। वह है स्वप्न में शहद यानी हनी देखना या फिर खाना। यदि आपने सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ट्रेंड्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हर वीडियो का लिंक आई बटन में भी दिया गया। प्रिय दर्शकों, स्वप्न में शहद देखना और खाना दोनों ही अत्यंत शुभ स्वप्न माने जाते हैं। इसका भविष्य के लिए क्या संकेत होता है, आइए जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और स्वप्न में शहद खाता है, या कोई उसे स्वप्न में शहद गिफ्ट करता है, या फिर वह शहद देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। और यदि कोई बेरोजगार या फिर कोई ऐसी नौकरी में हो जो अपनी नौकरी में पदोन्नति चाहता हो, ऐसा व्यक्ति यदि स्वप्न में शहद खाता है, या उसे कोई शहद देता है, या वह शहद खरीदता है, या फिर शहद को अपने हाथों में देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को उन्नति प्रगति की प्राप्ति होती है ऐसा स्वप्न देखने पर। एवं ऐसे व्यक्तियों को धन लाभ का भी यह स्वप्न संकेत करता है। यदि कोई व्यापार में है या फिर व्यापार करना चाहता है, किसी व्यापार को करने की वह सोच रहा है, कोई दुकान खोलने की सोच रहा है, और वह स्वप्न में यदि देखता है कि कोई व्यक्ति उसे शहद गिफ्ट कर रहा है, या वह शहद खा रहा है, कोई उसे शहद से भरी हुई कटोरी दे रहा है, या फिर उसकी गोद में कहीं से शहद टपक रहा है, तो यह स्वप्न संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होगी, उसका व्यापार बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, वह एक सफल व्यापारी बनेगा। तो शहद से संबंधित स्वप्न हर प्रकार से उत्तम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में शहद चोरी करता है तो ही यह स्वप्न अत्यंत शुभ माना जाता है। यह स्वप्न संकेत करता है कि आपके किसी भी प्रकार के प्रयास सफल होंगे और आपको हर प्रकार से लाभ प्राप्त होगा अपने कार्य में। लेकिन यदि कोई देखता है कि शहद से बदबू आ रही है, या शहद वह फेंक रहा है, या उसके हाथ से शहद गिर रहा है, तो यह स्वप्न अच्छा नहीं माना जाता। यदि कोई बीमार व्यक्ति देखता है कि उसके हाथ से शहद गिर गया, या फिर शहद उसने किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, तो यानी कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। और यदि इसी प्रकार का स्वप्न कोई बेरोजगार देखता है कि उसके हाथ से कोई शहद छीन करके ले गया, या उसका शहद गिर गया, तो यानी कि उसे आने वाले अवसरों में भी सफलता प्राप्त होने में संशय है। सफलता वैसी प्राप्त नहीं होगी जैसा वे चाहते हैं, या सफलता प्राप्त नहीं होगी। यदि कोई व्यापारी देखता है कि शहद खराब है, या फिर कोई व्यक्ति जो व्यापार करना चाहता है तब देखता है कि शहद गिर गया, या उसे उसके शहद को कोई चुरा कर ले गया या छीन करके ले गया, तो समझ लीजिए कि आपने जो सोचा हुआ व्यापार है आपका, वह सही ढंग से नहीं चलेगा। यह स्वप्न आपको भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान को भी संकेत करता है। और यदि कोई व्यक्ति देखता है कि वह शिवलिंग पर शहद चढ़ा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की मनोकामना तभी पूर्ण होगी यदि वह भगवान शिव को नित्य शहद का अभिषेक करे। तो ऐसे लोगों को ऐसा स्वप्न देखने पर भगवान शिव संकेत करते हैं कि वे नित्य भगवान को शहद से अभिषेक करें। तो यह था शहद पर स्वप्न विश्लेषण। धन्यवाद। जय गुरुदेव।